बहुत पुराना मंदिर है, क्योंकि बहुत मान्यता है मंदिर पे। दशहरा पे आते हैं ना दोस्तों, ये इतना भीड़ रहता है ना, दर्शन करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है। तो पहुँचते ही बहुत पुरातन मंदिर यहाँ पे दिखने लगा है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज अभी मैं थोड़ा कंपनी के लिए निकल गया है। कंपनी में ज़्यादा टाइम तो नहीं है, कंपनी में मेरे आधा घंटे के ही काम है दोस्तों, क्योंकि आज मेरा वीकली ऑफ है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कल के काम थोड़ा पेंडिंग रह गया था, तो आज थोड़ा सा मैं वो काम को, पेंडिंग काम को थोड़ा सा मैं आज कंप्लीट कर लेता हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं आज थोड़ा प्लानिंग किया हूँ दोस्तों, कुरकुम जाना है। कंपनी से कुरकुम 1 किलोमीटर दूरी है, वहाँ पे एक फिरंगाई मंदिर है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा दर्शन करके आ जाऊँ। तो बहुत दिन से फिरंगाई मंदिर गया नहीं हूँ दोस्तों, पिछले दशहरा पे ही जाके दर्शन करके आया था, तो अभी गया नहीं हूँ, कब बहुत टाइम हो गया। तो मैं आज सोचा है कि आज थोड़ा दर्शन करके आ जाए, तो चलेंगे दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी से निकल गया काम ख़त्म करके, तो ये देखिए, ये कुरकुम MIDC की एरिया है। तो अभी ये हम कुरकुम की और ट्रेन निकल रहा हूँ, तो ये कुरकुम से 2 मिनट पहले की रास्ता है। तो ये रही दोस्तों कुरकुम, कुरकुम की ये बाज़ार है। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों लेफ्ट लेने वाले हैं, ये वाला गली से हम लोग निकलेंगे। बहुत नेरो रोड है, गया फिरंगाई देवी मंदिर की परिसर पर। तो ये दोस्तों मंदिर की प्रवेश द्वार है, अंदर में प्रवेश करते हैं। छोटा सा एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। ये है फिरंगाई मंदिर, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। बहुत पुराना मंदिर है, क्योंकि बहुत मान्यता है मंदिर पे। दशहरा पे आते हैं ना दोस्तों, ये इतना भीड़ रहता है ना, दर्शन करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है। तो ये सब है चारों तरफ से मंदिर को परिक्रमण करने के लिए, ऊपर से बनाया गया है ऊपर से। तो भाई ये सीढ़ी थ्रू होके जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अंदर, प्रवेश द्वार के अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये रही, ये किस लिए किया जाता है, ये आटे को वो मंदिर में ये तो निकली है। अच्छा अच्छा, आटे का आटा जो है कि हाँ। मतलब वो आटा और पूरन पुली हाँ। दोनों मिक्स किया जाता है ना हाँ। भगवान का जो ताट रहता है ना हाँ हाँ, उसमें दे देता है वो। अच्छा अच्छा, मीट पेट हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसा डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसे ही दिया जाएगा, घर में जाएगा। अच्छा अच्छा, रोटी बिटी बना के। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसा पुरन पुली सब प्रसाद में लगाया जाता है। वो तो ये मंदिर की परिसर के अंदर की ऐसा दृश्य है, लाइट में बहुत डेकोरेट किया जाता है, तो बहुत बढ़िया दिखता है यहाँ पे। तो ये जो दोस्तों बनाया गया है, मंदिर को परिक्रमण करने के लिए बनाया गया है,
चारों तरफ से, क्योंकि इतना भीड़ रहता है ना, तो आगे एक सीढ़ी है, सीढ़ी से क्रॉस कर, इधर से आगे एक सीढ़ी रहेगा, ये सीढ़ी से क्रॉस करके ऐसा पूरा ऐसे परिक्रमण करके भगवान को नमन किया जाता है। इस तरफ से भी एक एंट्री है, चारों तरफ से भी कहाँ पे भी आप आ सकते हैं, मगर मैं जो आया वो मुख्य प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों यहाँ से जो श्रद्धालु है, ज़्यादा भीड़ रहेगा तो यहाँ से चढ़ते हैं, यहाँ पे चढ़ के ऐसा क्यू लगता है, ऐसा बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों, क्योंकि देखिए पूरा ये पत्थर से बनाया गया है, क्योंकि आधुनिकता कुछ ही नहीं है इसमें, पत्थर में खोद के बनाया गया है, एक गुंफा जैसा ही दिख रहा है अंदर। अंदर में भी कुछ देवी देवता है, पूरा प्राचीन काल का पूरा पत्थर से ऐसा देखे जॉइंट करके, एक सीमेंट का कोई काम नहीं है यहाँ पे, पूरा पत्थर को खोद के पूरा इसको किया गया है। तो यहाँ पे एक दोस्तों नंदी महाराज शिवलिंग यहाँ पे अवस्थित है, उसके अंदर उसको यहाँ पे पूजा किया जाता है, और साइड में उनका पुत्र गणेश। तो ये वृक्ष बहुत बढ़िया छांव देता है, पूरा सब श्रद्धालु आते हैं यहाँ बैठते हैं, यहाँ का अंदर का परिसर भी बहुत बढ़िया है। हम लोग दशहरा के टाइम हम आए थे फैमिली के साथ, तो यहाँ पे इतना भीड़ था, पूरा यहाँ पे खड़ा होने को नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों दर्शन बहुत बढ़िया हुआ, अभी चलेंगे, यहाँ ऊपर एक और एक मंदिर है फिरंगेश देवी का, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। तो मंदिर की यही प्रवेश द्वार है, तो यही मंदिर के बाद दूसरा जो ऊपर पर है फिरंगेश देवी की मंदिर इधर है, तो यहाँ पे उसको, यहाँ पे ऊपर है वो पहाड़, थोड़ा सा ऊंचाई पर है, उसको अभी चढ़ेंगे ऊपर। तो पहुँच गए फिरंगेश देवी मंदिर प्रवेश द्वार, ये जो मंदिर है ऊंचाई पर है, तो इस सीढ़ी के द्वारा हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है श्री फिरंगेश देवी मंदिर प्रवेश द्वार, तो चलेंगे दोस्तों अंदर। तो ऐसे बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा हमें। पहुंच गए दोस्तों, ये एक मुख्य प्रवेश द्वार है। पहुंचते ही बहुत पुरातन मंदिर यहाँ पे दिखने लगा है। तो दोस्तों मंदिर की पिछली द्वार पर ऐसा बहुत बड़ा शिवलिंग की आकार का एक घर बनाया गया है, ये एक शिवलिंग का आकार का बनाया गया है, ऊपर का दूर से शिवलिंग जैसा दिखता है, शिवलिंग ही है, उसके आकार का ही घर है। तो यहाँ से ऐसा है प्रवेश द्वार है अंदर से, तो चलेंगे अंदर। Oh,
बहुत बढ़िया मंदिर है दोस्तों, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। अभी थोड़ा अभी गर्मी धूप ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे चलने को भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि वो सीमेंट है पूरा, क्योंकि चुभता है पैर को। यहाँ थोड़ा सा सही है, ये डम्बर जैसा बनाया गया है, ये एक ओपनचे जैसा लगता है, और टाइल्स में जो ज़्यादा गर्मी लगता है। तो ऐसा परिसर है दोस्तों मंदिर की। तो दोस्तों बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि एकांत में अभी धूप में है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी गर्मी भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कंपनी का काम ख़त्म करके थोड़ा आ गया है इधर, तब यहाँ पे भी कोई एकांत में बहुत बढ़िया लगता है। तो मंदिर की ऐसा परिसर है। तो दर्शन हो गया दोस्तों, अभी चलेंगे, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। दर्शन करने के लिए सोचा था, इसके लिए मैं कुछ घर से खा के नहीं आया, थोड़ा लाइटली कुछ ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच गया कुरकुम चौक पर। ये दोस्तों ये कुरकुम चौक है, इधर से सोलापुर है, इधर से डोंड है, और इधर पुणे की तरफ है, और इस तरफ बारामती है। तो ये चौक पर एक फेमस बड़ा पाव का शॉप है। हम लोग यहाँ पे डेली बड़ा पाव खाने के लिए आते हैं। तो ये मावली कृपा बोल के एक बड़ा पाव का शॉप है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, तो चलेंगे अंदर। नमस्ते। गरम क्या है अभी? वड़ा पाव है, वड़ा मसाला है, मिसल पाव है, पालक भजिया, आलू भजिया, मिक्स भजिया, केकड़ा भजिया, कांदा भजिया। ठीक है, ये पालक भजिया दे दीजिए। अच्छा, पालक और आलू मिक्स दे दूँ? हाँ ठीक, बैठिए सर जी। तो दोस्तों ये आ गया मिक्स, ये भाई एक पाव है, ये भजिया है, ये आलू भजिया है। यहाँ का ये अच्छा है, डेली हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों ये ख़त्म करते हैं हमारा नाश्ता, उसके बाद चलेंगे घर पे। देखिए दोस्तों, ये अभी कुछ रोड की कंस्ट्रक्शन काम चालू है, क्योंकि ये पूरा तोड़ दिया गया है, अभी न्यूली उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ऐसा है, थोड़ा सा कच्चा रोड है, क्योंकि न्यूली ये सीमेंट रोड बनाया जाएगा। आगे तो सीमेंट रोड कुरकुम घाट तक बना दिया गया है, तो इतना पेंडिंग था, तो अभी ये बनाया जा रहा है। तो ऐसा रोड है, रोड का काम इधर चल रहा है ऐसा। ऐसे जोरों शोरों से काम चालू है, ये पूरा उसको इसे खोद दिया गया है, खोद के थोड़ा डाउन फॉल करके लिया जा रहा है। ये इतना जोर से क्रेन से यहाँ पे चालू है काम यहाँ से। तो ऐसा है, देखिए जोरों शोरों से काम चालू है। तो यहाँ से ये कुरकुम घाट है, यहाँ से ये नया रोड बनाया जाएगा, ये टाउन ये होके ये रोड पूरा बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ से जो ये चालू है काम, तो यहाँ से चालू होगा वो।